हेलो एवरीवन, आप सभी को फिर से एक बार स्वागत करता हूं मेरे एक नया क्रिप्टोटेक वीडियो में। फ्रेंड्स, आज बात करने वाला हूं क्रिप्टो मार्केट क्रैश के बारे में। फ्रेंड्स, क्रिप्टो मार्केट जिस तरह से क्रैश हुआ, लास्ट 24 आवर देख सकते हैं, लास्ट वन डे देख सकते हैं, जहां पे इसराइल और ईरान का जो यहाँ पे वॉर की वजह से जिस तरह का मार्केट मूवमेंट हो रहा है, क्या इस टाइम में ट्रेड करना चाहिए? और बिटकॉइन हैल्विंग का कुछ ही दिन बाकी है। फ्रेंड्स, क्या हो सकता है क्रिप्टो मार्केट के अंदर? इस समय में जिन लोगों का पोर्टफोलियो के अंदर थोड़ा सा ग्रीन दिखने को मिल रहा था, आज के डेट में काफी डाउनफॉल नजर आ रहा है उस तरह का पोर्टफोलियो के अंदर। फ्रेंड्स, मेरा जो पोर्टफोलियो है उसके अंदर भी काफी अच्छा डाउनफॉल यहाँ पे नजर आया है। आज से अगर आप लास्ट एक महीना का बात करिएगा, उस टाइम में करीब पोर्टफोलियो के 50% आप प्रॉफिट में चल रहा था, आज के डेट में आधा से ज्यादा डाउन हो चुका है। तो फ्रेंड्स, क्या करना चाहिए इस टाइम में? काफी सारा कॉइन के अंदर बहुत जोरों से गिरावट नजर आ रहा है, साथ ही साथ कुछ ऐसा कॉइन है जिस कॉइन के अंदर काफी अच्छा रिकवर मूवमेंट भी नजर आ रहा है। तो फ्रेंड्स, सारा कुछ डिस्कस करने वाले आज इस वीडियो के अंदर, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरा चैनल को, जिस तरह का क्रिप्टो वीडियो, टेक वीडियो, साथ साथ क्रिएटर बेस्ड वीडियो में लगातार लाते रहता हूँ इस चैनल के अंदर। फ्रेंड्स, इस समय में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बिटकॉइन हैल्विंग का और 4 दिन बाकी है, 4 दिन 1 घंटा 34 मिनट और यहाँ पे सेकंड काउंट हो रहा है। तो फ्रेंड्स, इस हैल्विंग में क्रिप्टो मार्केट के अंदर क्या इस वॉर के वजह से तेजी नहीं आएगा? क्या हो सकता है? पहले का हैल्विंग का बात करिएगा तो वहां पे काफी पॉजिटिव नजर आ रहा है। फ्रेंड्स, आप सभी को एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, क्रिप्टो करेंसी खरीदना या माइनिंग करना के लिए आपका पर्सनल मैटर है, कभी भी किसी का बातों में आके क्रिप्टो करेंसी मत खरीदिए। अगर आपको क्रिप्टो करेंसी खरीदना है या माइनिंग करना है तो उस टाइम में क्रिप्टो करेंसी के ऊपर रिसर्च करें, उसके बाद आप क्रिप्टो करेंसी खरीदे या माइनिंग करें। तो फ्रेंड्स, सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं आज इस वीडियो के अंदर, वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप क्रिप्टो इन्वेस्टर है, क्रिप्टो बिगिनर है या क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोच रहे हैं, तो आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फ्रेंड्स, अगर आप बिटकॉइन का लास्ट 24 आवर का ग्राफ देखिएगा तो यहाँ पे काफी अच्छा गिरावट आपको नजर आएगा। फ्रेंड्स, अगर आप लास्ट 1 मंथ का ग्राफ देखिएगा, प्राइस करीब 60 लाख का पार हो गया था और आज के रेट में बिटकॉइन जिस तरह से डाउनफॉल यहाँ पे दिखा रहा है वर्क के वजह से, ऐसा लगता है कि जो सपोर्ट लेवल है ये सपोर्ट लेवल तक जा सकता है। जैसा फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो 5M का जो रेंज है, इस रेंज में टच कर सकता है। इसके बारे में आपका क्या राय है कॉमेंट जरूर करिएगा। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा न्यूज आपको दिखाने का कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं बिटकॉइन ड्रॉप 7% आफ्टर ईरान अटैक इजराइल। तो फ्रेंड्स, जब ही ईरान ने अटैक किया इजराइल के ऊपर, कुछ उसके बाद से ही क्रिप्टो मार्केट के अंदर काफी गिरावट नजर आ रहा है। ऐसा नहीं है खाली क्रिप्टो मार्केट के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर भी भारी गिरावट, बिटकॉइन के अंदर जिस तरह से गिरावट नजर आ रहा है, साथ ही साथ और भी जो मीम और ऑल्ट कॉइन है उसके अंदर भी काफी गिरावट यहाँ पे देखा गया है। फ्रेंड्स, आप जानते हैं सिवा इनू कॉइन के अंदर भी काफी बड़ा गिरावट यहाँ पे नजर आ रहा है। फ्रेंड्स, क्रिप्टो मार्केट कैप अगर देखिएगा तो इस टाइम में जो लास्ट 24 आवर का जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है उसके अंदर भी आपको यहाँ पे गिरावट नजर आएगा। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ग्राफ, साथ ही साथ अगर आप ये वाला ग्राफ देखिएगा कितना हाई लेवल में था और वर के बाद ही जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है उसके अंदर भी यहाँ पे गिरावट नजर आया है। डॉग कॉइन कहाँ पे प्राइस चला गया था और आज के डेट में डॉग कॉइन के अंदर 12-13 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। फ्रेंड्स, कार्डानो, इसके अंदर भी काफी तेजी नजर आया था, कार्डानो के अंदर भी अच्छा खासा गिरावट नजर आया है। साथ ही साथ अगर आप सिवा इनू जो गोल्ड मीम कॉइन है, जो 1 नंबर से लेके 20 नंबर के अंदर रैंक करता है, उसके अंदर भी यहाँ पे गिरावट नजर आया है। फ्रेंड्स, में सिवा इनू का ग्राफ देख सकते हैं 0.0017 में चले आया है, 17 सीरीज के अंदर चले आया है, जहाँ पे सिवा इनू करीब 29-30 के आसपास था और आज के रेट में इस वर के वजह से सिवा इनू के अंदर भी अच्छा खासा गिरावट नजर आया है। साथ ही साथ और भी जो क्रिप्टो कॉइन है उसके अंदर काफी गिरावट नजर आ रहा है। क्रिप्टो करेंसी हैल्विंग का रिपोर्ट देखिएगा तो यहाँ पे इस हैल्विंग रिपोर्ट देख के थोड़ा सा पॉजिटिव नजर आएगा। फ्रेंड्स, अगर आप पास हैल्विंग रिपोर्ट देखिएगा, जिस टाइम इससे पहले जो हैल्विंग हुआ था बिटकॉइन का, उस टाइम में कोविड चल रहा था, उस कोविड के टाइम में भी क्रिप्टो मार्केट के अंदर कुछ इस तरह का मूवमेंट नजर आया था बिटकॉइन हैल्विंग के बाद। इससे पहले जो बिटकॉइन हैल्विंग हुआ था, आप देख सकते हैं ये 2020 में हुआ था, 11 मई 2020 में हुआ था और उस टाइम में कोविड चल रहा था और उस कोविड के टाइम में ही बहुत लोग अच्छा खासा रिटर्न निकाला है। फ्रेंड्स, आज के डेट में वॉर यहाँ पे स्टार्ट हुआ है इजराइल और ईरान के अंदर, मुझे लगता है ऐसा इस वॉर के वजह से ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। धीरे धीरे क्रिप्टो मार्केट रिकवर करना चालू कर दिया है,
आप काफ़ी सारा मीम कॉइन और ऑल्ट कॉइन देखिएगा, अगर आप लास्ट 24 आवर और 7 डे का अगर आप देखिएगा तो ऊपर स्टार्टिंग के वजह से जिस तरह का क्रैश नज़र आया था, बट वो क्रैश धीरे धीरे रिकवर होना चालू हो गया है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सारा कॉइन आप देख पा रहे हैं, ये सारा जो पोजिशन है ये सारा ग्राफ के अंदर मैच करता है। आप देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पर नज़र दीजिएगा, ये सारा ग्राफ के अंदर मैच करता है, बट ये धीरे धीरे रिकवर करना चालू कर दिया है और इस वर्क की वजह से ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा ऐसा मुझे लगता है। इसके बारे में आपका क्या राय है कमेंट जरूर करिएगा। तो फ्रेंड्स अगर आप इस टाइम में अगर आपको कोई मौका मिल रहा है थोड़ा नीचे से बाई करने का, अभी के टाइम में कुछ कॉइन के अंदर आपको अच्छा बाइंग पोजिशन मिलेगा, मतलब काफ़ी नीचे से बाइंग पोजीशन मिलेगा। अगर आप सीबाइनो का बात करिएगा, कॉइन अगर आप बाई करना चाहते हैं तो डॉग कॉइन के अंदर भी बाई कर सकते हैं, अगर आप बिटकॉइन बाई करना चाहते हैं तो बिटकॉइन भी आप बाई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा पोजीशन आपको मिल रहा है। ये जो थोड़ा सा क्रैश हुआ है, इस क्रैश के वजह से आप थोड़ा सा नीचे से बाइंग पोजीशन आपको मिल सकता है। तो फ्रेंड्स आज के क्रिप्टो वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइए, साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर भी करिए। मिलते हैं किसी नया क्रिप्टो टेक वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग आई एम नॉट ट्रेडिंग वीडियो।